नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में समाज के कमजोर तबके को सशक्त बनाने और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई छह वर्ष पूरे हो गए हैं इस योजना को इसके तहत जिन लोगों के बैंक खाते खोले गए तो सरकार की जो भी योजनाएं सब्सिडी सुविधाएं थी वो सीधा आम लोगों तक वो जो समाज का वंचित तबका था उन तक पहुंचाई जा सकी तो एक तरह से वित्तीय फ्रंट पर भी ये योजना बहुत कामयाब हुई और सामाजिक तौर पर भी इसका एक बड़ा अच्छा रूप देखने को मिला जो लोग अब तक बैंकिंग सुविधा से दूर थे उनको बैंकों से जोड़ा गया तो इसी योजना के बारे में हम बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर संजय भाटिया जी तो संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये योजना छः वर्ष पूरे हो गए हैं और जो लक्ष्य था उससे कह सकते हैं कहीं ज़्यादा इकतालीस करोड़ से अधिक खाते खुले हैं तो अगर जो वित्तीय इसका लक्ष्य है उसके साथ साथ सामाजिक तौर पर भी देखें तो एक बड़ा बदलाव लेकर आई है ये योजना बिल्कुल इसका ज़्यादा महत्व तो हम देखें वित्तीय से ज़्यादा हमारा सामाजिक ही बदलाव लाने का ही था इसमें जो ये प्रधानमंत्री जी ने इसको योजना को लॉन्च किया था 26 अगस्त 2014 जी और आज का दिन हमारा इसका छः साल पूरे हो रहे हैं तो इसकी छठी जो है एनिवर्सरी है और बड़ा ही आज का दिन इसके लिए हम महत्वपूर्ण मानते हैं छः साल में जो सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा कवरेज हुआ है इस स्कीम का अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़ चुके हैं जी। और अगर 40 करोड़ से देखें तो एक काफ़ी बड़ी जनसंख्या का भाग जो है हमारा इसमें जुड़ गया है और जब ये लॉन्च हुई थी तब हमारा जो इस स्कीम का लक्ष्य था कि हर एक परिवार को इस जो बैंकिंग समावेशन में जो वित्तीय समावेशन जैसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंग्लिश में और उसमें लाना फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि उनको बैंकिंग सुविधा तो देनी देनी है बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी पेंशन भी लोन की सुविधा ये इत्यादि जो है उनको प्रोवाइड कराना है तो हर एक एक जिसको हाउस होल्ड कहते हैं परिवार को जोड़ने का लक्ष्य था जो पहला फेज जब इस स्कीम का आया था और इसका जो जो सेकेंड फेज आया है छब्बीस अगस्त अट्ठाईस अगस्त दो से ही तो उसमें फिर लक्ष्य जो है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया लक्ष्य कि परिवार को तो हमने जोड़ दिया अब हमने जो है हर एक इंडिविजुअल को यानी हर एक सिटीजन जो है देश का जो नागरिक है उसको जोड़ना है इस स्कीम से तो उसी के अंतर्गत अभी ये योजना जो है अभी चल रही है और आगे भी ये चलती रहेगी इसमें जब तक हमारा ये पूरा लक्ष्य नहीं हो जाता कि जो हर एक सिटीजन जो है इससे जुड़ जाए जी बिल्कुल और मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि वो लोग जो अब तक इस योजना से प्रधानमंत्री जनधन योजना में जिनका खाता नहीं खुला है तो वो कैसे खाता खुला सकते तो एक प्रोसीजर एक प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जी बिल्कुल आ, किसी भी पहले मैं बताना चाहूंगा इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है जी तो दस साल से ऊपर का ये भी यानी बच्चे भी खोल सकते हैं इसको क्योंकि 10 साल से ऊपर बैंकिंग में अपना अकाउंट खुद चलाने की एक परमिशन है आर की तरफ से इसलिए 10 साल से ऊपर का बच्चा और जो हमारे 18 साल से ऊपर के जितने वयस्क हैं सब लोग जो है इस खाते को खोल सकते हैं और ये खाता जो है किसी भी बैंक में खोल सकते हैं ऐसा नहीं कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स से हैं उसी में खुलेंगे सरकारी बैंकों में ही खुलेंगे ये प्राइवेट बैंक्स में भी खोल सकते हैं जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें भी खोल सकते हैं इसके अलावा बैंक्स के द्वारा जो है बैंक मित्र जगह जगह पर लगाए गए क्योंकि हर जगह बैंक की शाखा नहीं पहुँच सकती तो वहाँ पर बैंक मित्रों का चयन किया गया है तो बैंक मित्रों के माध्यम से भी ये खाता खुलाया जा सकता है तो और तरीका क्या होगा मतलब आपको आवेदन करने के लिए बैंक जाना होगा किसी भी नजदीकी बैंक आप जाएं और वहां से आप फॉर्म लेंगे आ, क्या क्या आपको दस्तावेज उसके साथ दिखाने होंगे जिसके जरिए ये खाता हम खोल सकते जी हाँ मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एक पेज का फॉर्म रखा गया है और फॉर्म आ, हर एक बैंक की शाखा में उपलब्ध है और जो मैंने बैंक मित्र का बताया बैंक मित्र के पास भी उपलब्ध है उसके लिए वहाँ आपको एक अपना फोटो और एक पहचान पत्र और एक एड्रेस प्रूफ ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है और अगर कोई एक ही प्रपत्र में जैसे आधार कार्ड है अगर आधार कार्ड है और उसी में क्योंकि एड्रेस भी होता है तो वो आपका पहचान पत्र और आ, एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करता है तो आधार और एक फोटोग्राफ लेके उसके माध्यम से अकाउंट खोला जा सकता है सपोज किसी के पास आधार है लेकिन उसमें जहाँ वो रह रहा है अभी वर्तमान का पता वो उससे भिन्न है जो आधार कार्ड में जो उसका एड्रेस डाला हुआ है तो उसके लिए सिंपली ये उसको करना है कि अपना एक डिक्लेरेशन देना है कि मेरा वर्तमान का पता ये है और वो वर्तमान का पते का एक डिक्लेरेशन ही उसके लिए अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है तो उस वो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेपर्स नहीं भी होते हैं या ऐसा तबका है लेकिन आधार इस समय एक ऐसी ऐसा दस्तावेज है जो सबके तो पास, पास पहुंच गया तो इस आधार के बिना पर भी आप ये अकाउंट खुला सकते हैं बिल्कुल और ऑनलाइन भी हम इस अकाउंट को खोल सकते हैं हाँ ऑनलाइन भी खोल सकते हैं इसको और इसका जो पी का पोर्टल है गवर्नमेंट का उस पर जाकर भी हम इसको अकाउंट को खोल सकते हैं लेकिन उसमें अगर हम प्रपत्र को अपलोड भी कर देंगे तो एक बार आपको फिजिकल जो है फॉर्म आपको देने पड़ेगा और आप अपने किसी भी नजदीकी जो आपका बैंक है वहाँ पर आप जाइए तो अभी तक ऐसा है क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसमें ज्यादा खाते खुले हैं या ग्रामीण बैंकों में किस तरह की स्थिति रही है इसमें क्योंकि जो इसका पर्पज़ था वित्तीय समावेशन का तो इसमें जो नज़दीक की ब्रांच थी जी। उनके आसपास के एरिया का जितने भी लोग थे उनको कवर करने के लिए तो आप देखेंगे अगर रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की और साथ में ही ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ हैं तो उनमें खुले हैं और क्योंकि इसमें प्राइवेट के भी हैं और हम अर्बन एरिया के लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं तो प्राइवेट बैंकों में भी हैं लेकिन ज़्यादा खाते जो है सार्वजनिक बैंक की शाखाओं में खुले हैं और इसके अलावा ग्रामीण बैंक की शाखाओं और एक ये भी जिम्मेदारी होगी कि ज्यादा से ज्यादा खाते जब खुलेंगे तो खासतौर पे अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ या हम यहाँ उत्तराखंड के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो हमको ज्यादा बैंक बैंकिंग का जो नेटवर्क है उसको भी बैंक मित्र तो है पर बैंकिंग नेटवर्क भी ज़्यादा मतलब गाँवों तक बैंकों को पहुँचाना होगा इस तरह की भी एक स्थिति देखनी जी इसके ऊपर भी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उनकी गाइडलाइंस है जो 2000 जनसंख्या तक की जो गांव हैं वहाँ पर सबको बैंक की शाखा जो है पहुँचाई गई है और जो 2000 से नीचे के भी हैं गांव वहाँ तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुँचाने के लिए चाहे वो बैंक मित्र के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो है ये बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाई जा रही है अब आपने देखा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस क्योंकि सब जगह ये उपलब्ध है और पोस्ट ऑफिस का अभी क्योंकि पेमेंट बैंक भी खुला है तो अब वो बैंकिंग सुविधाएं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी जो है हर एक हमारे गांव में पहुंच रही है और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप ये जनधन खाता, खाता आसानी से खुलवा सकते हैं खुल सकते। और जो बैंक मित्रों की बात अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है देहरादून में ही है और उसे पता करना है या उसे कोई मदद चाहिए नहीं पढ़ा लिखा है साक्षर नहीं है या बुजुर्ग है कोई तो वो बैंक मित्र तक कैसे पहुंचेंगे मतलब क्या हमारे पास कहीं एक ऐसा फोन नंबर या जानकारी की सुविधा है इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम नियमों के अनुसार ही हर एक ज़िले में एक लीड बैंक होता है जिसे अग्रणी जिला बैंक बोलते हैं और उसी के साथ ही एक वित्तीय साक्षरता सलाहकार ये भी नियुक्त किया जाता है उसी बैंक द्वारा तो हर एक जिले में एक वित्तीय साक्षरता सलाहकार ये नियुक्त किया गया है तो किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो इससे भी ले सकता है कि हमारे आ, हम किस तरह से इसमें हम अकाउंट खोल सकते हैं या हम कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं या हमारे आसपास की कौन सी शाखा है या हमें बैंक मित्र कहाँ उपलब्ध होगा इसका जो डाटा है उनके पास वित्तीय साक्षरता सलाहकार के पास रहता है और ये जो आप वित्तीय साक्षरता की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि साक्षर तो होते हैं और ख़ासतौर पर हम थोड़ा कम पढ़े लिखे या मजदूर वर्ग हैं या इस तरह में जाएँ तो उनकी जो वित्तीय साक्षरता है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है उस पर भी कुछ जागरूकता कार्यक्रम के जरिए जाए ताकि वो ज़्यादा समझ पैदा हो कि बैंकिंग सुविधा से जुड़ के उनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इसके लिए व्यवस्था है जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो साक्षरता सलाहकार हैं वही जो है जगह जगह जाकर कैंप्स करते हैं और कैंप्स के माध्यम से भी बताते हैं इसके अलावा हर एक बैंक की जो ग्रामीण शाखा है उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्होंने महीने में एक जो है ऐसा कैंप लगाना है साक्षरता के लिए ही तो वो कैंप्स भी आ, हर ब्रांच की एक रूरल बैंक ब्रांच को लगाना होता है जी। तो उसके माध्यम से भी जो ये है इसको अवेयरनेस फैलाई जा रही है इसके अलावा जो ब्लॉक लेवल पे हैं उनके माध्यम से भी और जो विलेज लेवल पे वीडियोस हैं उनके माध्यम से भी ये जगह जगह जो है ये साक्षरता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस बढ़ाई जाए और जो सुविधाएं आपने भी बताया कि बहुत सारे किस्म की सुविधाएं मिलती हैं तो जो लाइफ इंश्योरेंस है या एक्सीडेंटल कवर है क्योंकि ये चीज़ें भी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी लेकर आती हैं तो इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए हाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो इसमें दो तरह के इंश्योरेंस थे एक आपका जीवन बीमा भी था इसमें जो तीस हज़ार रुपये तक का था लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है एप्लीकेबल वो आज भी एप्लीकेबल है लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अट्ठाईस अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 तक जो खाते खोले थे उसमें ये तीस हज़ार का जीवन बीमा भी शामिल है और अच्छा। इसके अलावा जो इसमें अगर कोई आ, हर एक खातेधारक को एक रुपये कार्ड दिया जाता है जी। तो अगर वो रुपये डेबिट कार्ड जो है यूज़ कर रहा है तो उस पर पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कवर भी उपलब्ध है जो मैंने बताया था कि फ़र्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ जो सेकंड फेज़ में है इसमें दो लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा कवर उपलब्ध है और जो फर्स्ट फेज था उसमें एक लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा कवरेज है जी और ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है जी अगर जी जो इसमें आ, जो दूसरी सुविधा दी गई है वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है अगर छः महीने का अकाउंट जो है उसका कंडक्ट देखा जाता है अगर उसने जो है उसमें अच्छे से ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं तो उसमें पहले ये पाँच हजार रुपये था और अभी जब सेकंड फेज शुरू हुआ इसमें ये दस हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है इसके लिए कुछ कंडीशन हैं लेकिन दो हज़ार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो कभी भी किसी खाता धारक को ये जनधन के खाता धारक को अगर दो हज़ार रुपये तक की वित्तीय आवश्यकता है तो वो बैंक में जाकर अपने ही खाते से दो हज़ार रुपये का ओवरड्राफ्ट ले सकता है तो उस पर बैंक जो है अपना हर एक बैंक का अलग अलग है वो ब्याज लेता है इस पर और जब इनके पास जब भी सुविधा हो अपना वो पैसा वापस लौटा सकते हैं ठीक है तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो अगर आपके पास जनधन का खाता उपलब्ध है और इसके साथ ऐसा भी है क्या कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास एक खाता पहले से है और उसने जनधन में भी खाता खुलवाया या इस तरह की कोई बंदिश है कि कहीं और खाता नहीं होना चाहिए तभी आप जनधन में खाता खुलवा सकते हैं जी देखिए जो जनधन खाता खोलने का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो वंचित हैं इससे जो हमारी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं ये उन्हीं के लिए तो इसलिए अगर किसी के पास खाता है तो उसको तो आवश्यकता है ही नहीं ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो बैंकिंग सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं और रहे हैं और वो आप अपना जो है बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं खाता खोलेंगे और इसमें जैसा आपको पता है कि ये जीरो बैलेंस का है जी। जीरो बैलेंस का ये मतलब है कि उसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की कोई उसमें बंदिश नहीं है तो मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो जीरो का मतलब अगर आपके पास उसमें कुछ पैसा था और आपने पूरा का पूरा विड्रॉ भी कर लिया तो बैंक उस पर कोई जो है शुल्क नहीं लगाएगा तो जीरो बैलेंस बैलेंस से मतलब मतलब है जीरो बैलेंस का ये मतलब नहीं कि आपने जो अकाउंट खोल लिया और आपका बस जीरो ही पड़ा रहेगा उसमें कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे हैं नहीं लेकिन ट्रांजेक्शन <laughs> तो बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि जो फिगर्स है वो बताते हैं कि <laughs> एक लाख पैंतीस एक लाख करोड़ रुपए तक आए हैं बैंक एक लाख तीस हजार करोड़ अब तक इसमें एक लाख तीस हजार करोड़ तक तो ये एक बड़ा बड़ी रकम है और ये एक सामाजिक तौर पर इसलिए भी ये योजना महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले लोग ज़रूरत की स्थिति में आसपास के किसी व्यक्ति से या वो जो उधार ले लेना था और कर्ज के एक जाल में आ जाते थे तो वो जो सूद खो रही थी उन सब से कहीं उनको मुक्ति मिली और अब आप आपके पास एक बैंक है अगर आपके पास एक खाता है तो आप वहाँ से जरूरत पड़ने पर उधार ऋण की भी व्यवस्था है और आपने देखा होगा कि, कि इन खातों के माध्यम से ही जो सरकार जो है विभिन्न योजनाओं में जो सब्सिडी देना चाहती है, है या कुछ भी उसमें ट्रांसफ़र करना चाहती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो डीबीटी के माध्यम से इन खातों में आ, सरकार ने काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र किया है अभी हाल में जब ये कोविड का असर दो शुरू दो हुआ था तो तब जो है सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि हर एक जनधन खाता धारक जो महिला है उसके खाते में 500-500 रुपए की तीन किस्तें दी जाएंगी और वो सरकार ने बड़ा सक्सेसफुली इन खातों में दिया जी और ये जो उज्ज्वला योजना या इस तरह की योजनाएं हैं उसमें भी आपको जनधन खाता होने की वजह से सब्सिडी सीधा आपके बैंक का अकाउंट में आती है क्योंकि इसमें अधिकतर जो खाते खुले हैं वो हमारे आधार के थ्रू खुले हैं तो आधार सीडिंग उसमें फिर जरूरी हुई है और आधार जितने भी जो डीबीटी का पैसा जाता है या कोई भी योजना का पैसा जाता है उसके लिए आधार सीडेड होना अकाउंट जरूरी है तो ये जनधन अकाउंट में जो हमारे गरीब लोग हैं जिनको इनकी सब्सिडी की नितांत आवश्यकता थी उसमें जो है ये बहुत बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल रहे हैं ये वाले खाते। और हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद रहा है क्योंकि मह, पहले क्या होता था अगर बैंक खाता है भी किसी का तो पुरुष सदस्य के नाम पर होता था तो महिलाएं बड़ी संख्या में जनधन खाते से जुड़ी और महिलाओं के अकाउंट बहुत ज्यादा हैं तो एक महिलाओं के सशक्तिकरण की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जनधन से हुआ है बिल्कुल आप अगर देखेंगे इसी का आंकड़ा देखेंगे अगर हम 40 करोड़ से ज्यादा ये बता रहे हैं कि इसमें जनधन के खातेधारक जुड़े हैं तो इसमें पचपन प्रतिशत जो है महिलाओं के खाते हैं जी तो उन पचपन प्रतिशत महिलाओं को ही जो ये पाँच सौ पांच सौ रुपए की तीन किस्तें मिली हैं ये अपने आप में एक बड़ा आ, अच्छा अनुभव रहा है और ये सारा बैंकों के माध्यम से रहा है और इस वाली स्थिति में जब कोविड जैसी मार पड़ी लोगों को बिल्कुल जो इनकम भी बंद हो गई तो उसमें बहुत सहायक रहे हैं ये वाले खाते बिल्कुल निश्चित तौर पे क्योंकि महिलाएं कई बार डिपेंडेंसी हो जाती थी तो महिलाओं के अगर पचपन यानी बीस करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने खाते खुलवाए महिलाएं सीधा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका फायदा उनको इस खाते के जरिए मिल पा रहा है ये अपने आप में एक बड़ी चीज है जी। और बच्चों के लिए भी अभी आपने बताया था कि अगर दस वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है तो उसका भी आप खाता खोल सकते हैं यानी आप बच्चों के लिए भी अगर सेविंग करना चाहें उसके भविष्य के लिए पढ़ाई के लिए तो उसके लिए भी आप जनधन खाते के जरिए एक सेविंग कर सकते हैं दस साल से अधिक के बच्चे का भी खाता खोला जा सकता है और क्योंकि आ, सबसे जो सुविधा है इसमें कि जीरो बैलेंस है तो कभी भी हमें ये टेंशन नहीं रह रही कि हमारा जो है अकाउंट में इतना बैलेंस रहना चाहिए कि नहीं तो हमारे चार्जेस लग जाएंगे जैसा जनरल बैंक अकाउंट होता है कि किसी बैंक ने उसमें हज़ार रुपये की या किसी ने तीन हज़ार रुपये की उसमें लिमिट रखी हुई है उससे नीचे जाएगा तो उसमें चार्जेस लगते हैं कई बार ये होता है कि वो खाते में वो जो बैलेंस होता है चार्जेज लग लग के ही ख़त्म हो जाता है तो ऐसा जो है इसके इस वाले खाते में नहीं है बिल्कुल और इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है लोगों को उनकी सेविंग पर क्योंकि ये भी एक बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है आ, अभी पीछे आ, इसके ऊपर जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उसमें भी जो है बैंकों को छूट दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से इसमें रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हैं सेविंग का तो आज की तिथि में कोई बैंक जो है सवा तीन परसेंट दे रहे हैं कोई तीन परसेंट दे रहे हैं तो ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है लेकिन फिर भी जो भी बैलेंस रहेगा उसमें आपको ब्याज ज़रूर मिलेगा बिल्कुल और ये भी ऐसा भी है क्या कि हमारे पास अगर जनधन अकाउंट है या कोई सेविंग है तो हम उसके मार्फत या उस बैंक से ऋण ले सकते हैं अगर कोई स्वरोजगार करना चाहे या इस तरह तो उसको ऋण की जरूरत है तो वो ऋण भी ले सकता है कर्ज की सुविधा भी है बिल्कुल इसमें जो भी जनधन खाता है अगर उसका छः महीने क्योंकि कोई भी बैंक अगर लोन देना देना होता है लोन तो वो ये चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप जो है उसके साथ कम से कम छः महीने पुरानी हो तो जिसने जनधन खाता खोला हुआ है उसके छः महीने हो गए हैं तो वो जो है बैंक से ऋण के लिए भी आ, कह सकता है और उसको अपने बिजनेस के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसको ऋण मिल सकता है इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं जो ज़्यादातर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं अगर हम अपने स्टेट में भी देखें तो उनके भी ये खाते जब ये खुले हैं और उसके बाद उनको जो है छः महीने के बाद ऋण की सुविधा भी दी गई है इसमें तो वो एस को भी बहुत अच्छा है यहाँ पर फाइनेंस किया गया इसमें तो हम इस तरह की मॉनिटरिंग भी करते हैं कि किस तरह से ये खाते लोगों के बीच पहुंचे क्या सुविधाएं मिली क्या वो जिससे कि हम स्कीम को और बेहतर बना सकें और ज़्यादा लोगों को कर्ज भी दे सकें जैसे मैं जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि स्वरोजगार की ओर आप आगे बढ़िए तो लोग छोटे छोटे लोग जो पहले मजदूरी या इस तरह के कामों की वजह से अभी आ, स्वरोजगार को लेकर के एक मुहिम चलाई जा रही है तो वहाँ पर भी अगर आपके पास जनधन खाता है तो आप आ, स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा सकते हैं बिल्कुल स्वरोजगार की बहुत सी स्कीम्स चल रही हैं जो केंद्र सरकार की भी चल रही हैं और आ, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो इसमें करी है तो उसके माध्यम से भी लोन ले सकते हैं और एक बार जब हम बैंक से जुड़ जाते हैं तो हमें जो है अपने आप ही हमारी अवेयरनेस लेवल जो है वो बढ़ता है फिर हम जो है बैंक से जुड़ते हैं तो बैंक में जाकर हम और जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं तो जो इसका पर्पज़ यही था कि वित्तीय समावेशन वित्तीय समावेशन में खाली बैंकिंग सुविधा ही नहीं है उसमें आपको लोन लेना आपको जो इंश्योरेंस है बीमा वो भी है इसमें अब जैसा बीमा की जो दो, दो स्कीम्स लॉन्च की गई थी केंद्र सरकार द्वारा एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वो भी जो है इनके माध्यम से जो है इसमें इन लोगों को तक पहुंचाने की मुहिम रही है इसमें और जैसा आपने कहा कि हम इनको पहुंचाते कैसे हैं उसके लिए हर एक बैंक को टारगेट मिला होता है एक लक्ष्य रखा होता है कि हमने जो है इतने अपने कस्टमर्स को या हमने नए जो है कस्टमर जोड़ने हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से और अभी जो है कुछ केंद्र सरकार ने ही चालीस जिले ऐसे चुने हैं जहाँ पर जो 100% परसेंट वाला लक्ष्य जो पी एम जो ये योजना है इसमें करने का लक्ष्य दिया गया तो हमारे उत्तराखंड में जो है इसमें हरिद्वार जिले को चुना गया है जी। जहां पर शत्प्रतिशत शत्प्रतिशत वो प्रतिशत तो और खासतौर पर चूंकि ये योजना भी आ, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए खासतौर पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि ये गेम चेंजर योजना दे, रही दे, है जिसने पूरा परिदृश्य बदला है जब लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो आ, ये जो शत प्रतिशत लोगों के खाते खुल जाएँ बैंक भी इस तरह अपनी तरह से किस तरह से इसके लिए पहल करते हैं जैसा मैंने बताया कि हर एक बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि उनकी ग्रामीण शाखा ने एक एक कैंप जरूर लगाना है जी। फिर बैंक की हर इंडिविजुअल ब्रांच को इसके लक्ष्य दिए जाते हैं कि आपने जो है जनधन योजना में इतने खाते आपने करने हैं इसके अलावा जो मैंने दो बीमा योजना बताई उसमें भी आपने इतने लोगों को तक ये पहुँचाना है तो अंतिम लक्ष्य हमारा सब जगह जो है वो यही है कि हमने जो है सौ प्रतिशत शत प्रतिशत जो है इनको हमने कवर कवरेज देना है और कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या इसमें कि जैसे आप एक दिन में दस हज़ार से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते इस तरह की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जी इसमें लिमिटेशंस एक तो विड्रॉल की है कि दस हज़ार से ज़्यादा नहीं कर सकते एक आपका जो है एक बैलेंस जो है उसमें रहना किसी भी टाइम पचास हज़ार से ज़्यादा नहीं हो सकता है और अच्छा हाँ ये भी है पचास हजार से ज्यादा आप एक खाते में नहीं रख सकते जी और एक लाख से ज्यादा एक साल में ट्रांजेक्शन भी हम इसमें नहीं कर सकते तो ये एक थोड़ी सी इसमें रिस्ट्रिक्शन है बट वो रिस्ट्रिक्शन वैसे अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है क्योंकि जो हमारा इसमें लक्ष्य है जो हमारे जो टारगेटेड लोग हैं जो बिल्कुल हम सोचते हैं कि जो निचले तबके से जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है जो इससे जुड़े हैं हमारी बैंकिंग सुविधा से तो उनके अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ऐसी नहीं है शर्त की जो जिसमें दिक्कत किसे किसे अगर किसी ने अपने बच्चे के लिए उसके पढ़ाई के लिए ही शुरू किया और सेविंग शुरू की तो आ, उस बच्चे के अकाउंट में आप 50,000 से ज्यादा की रकम नहीं रख सकते हैं बैलेंस एक, नहीं रख सकते बैलेंस नहीं रख, नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीछे नोटबंदी में इन वाले खातों का बड़ा दुरुपयोग भी हुआ था इस वजह से कि उसमें जो है कैश जमा कराया गया और उसमें बैलेंस जो है ज़्यादा ज़्यादा भी हो गया था तो फिर ऐसे वाले खातों को एक अलग से उनको आइडेंटिफाई करके उसको फिर जो है जनधन खातों से बाहर किया गया था अच्छा और उसमें फिर उसको जो है जनरल अकाउंट्स में ट्रीट किया गया था और जनरल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है अगर किसी का ऐसा रहता भी है किसी के पचास हजार से ज्यादा तो फिर उसको जनरल जनरल अकाउंट्स अकाउंट्स कर देते हैं तो में जो ये वाली सुविधाएं हैं जनधन वाली वो नहीं मिलेंगी जैसा मैंने बताया कि उसमें जीरो बैलेंस वाली सुविधा फिर वो नहीं रहती वो है इसमें एक सुविधा और बताना चाह रहा था मैं कि पहले जब ये जनधन योजना आई थी तो उसमें चेकबुक की फैसिलिटी नहीं थी अब जनधन योजना में कोई चाहे तो खाताधारक चेकबुक भी अपना इशू करा सकता है सिर्फ उसमें शर्त ये रहेगी कि जिन बैंकों में चेकबुक जारी करने के लिए कोई एक मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है वो उसको पूरी करनी पड़ेगी और तो ये इसमें मिनिमम बैलेंस कितना है यहाँ पर अलग अलग बैंकों का मैम इसमें अलग अलग है कहीं एक हज़ार रुपये रखा हुआ है और कहीं पर रूरल एरिया में एक हज़ार रखा है और अर्बन में तीन हज़ार रखा है तो अलग अलग बैंकों की अलग अलग सीमाएँ हैं इसमें और वो एक रुपये कार्ड भी डेबिट कार्ड भी मिलता है साथ ही उनको तो मैंने जैसे बताया था कि इसमें जो हमें इंश्योरेंस कवरेज है वो तभी उपलब्ध होगा जब आप डेबिट कार्ड इसमें इशू कराएंगे और डेबिट कार्ड जो बैंकों को दी गई इंस्ट्रक्शन की हर एक जनधन खाते में आपने डेबिट कार्ड इशू करना है तो पहले कुछ जो अकाउंट्स खुले थे जिसमें नहीं भी हुआ था तो उन खाता धारकों से भी मैं अब आप यहाँ आपके दूरदर्शन के माध्यम से भी उनको जागरूक करना चाहूँगा कि अगर किसी ने नहीं भी लिया है तो वो अपने बैंक में जाके एक डेबिट कार्ड जरूर इशू कराए क्योंकि डेबिट कार्ड लेने के बाद और अगर आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको ये बीमा कवरेज जो दो लाख रुपए का मैंने बताया पर्सनल एक्सीडेंट का ये उपलब्ध रहेगा सिर्फ इसमें एक शर्त होती है कि पिछले पैंतालीस दिन में यानी अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया उससे पैंतालीस दिन के अंदर उसने कोई एक ट्रांजेक्शन की होनी चाहिए तो उस केस में फिर उसके घर वालों को क्लेम

साथ में आपकी ट्रांजेक्शन को देखते हुए जो दस हज़ार रुपये का ओवर ड्राउट बैलेंस है वो भी आपकी ट्रांजेक्शन के बेस पर ही है तो अगर अच्छी ट्रांजेक्शन की हुई हैं आपके खाते में तो आपको दस हज़ार का एक ओवर फैसिलिटी भी मिल जाती है अच्छा वो जो ओवर ड्राफ्ट की सुविधा है वो भी आपके ट्रांजेक्शन की सुविधा पर निर्भर करती है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं मेरे ख्याल से ये भी एक वजह रही होगी क्योंकि पहले कुछ ऐसा भी था कि खाते तो बहुत सारे खुल गए लेकिन इनएक्टिव हो गए बहुत सारे खाते जिनमें कोई फिर वित्तीय लेन देन नहीं हुआ तो इन वजहों से ये चीजें जोड़ी गई होंगी जी अभी जब ये महिला खाता धारकों के खातों में पाँच सौ की जो किस्त आई थी तो कई खाता धारक हमसे मिले और शिकायत करी कि हमारे खाते में क्यों नहीं आ रहा ये पैसा हाँ। तो फिर जब जांच कराई गई तो यही था कि वो उन्होंने खाता खोला जीरो बैलेंस का था उसके बाद उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी कोई जमा नहीं किया कोई निकाला नहीं पैसे तो वो इनएक्टिव हो गए अकाउंट्स और उसमें कई जो हैं अकाउंट्स हैं जीरो की क्योंकि कंटिन्यूस जीरो थे तो वो बैंक्स ने बंद भी कर दिए थे तो उसमें फिर वो पाँच सौ रुपए की जो रकम आनी थी वो नहीं आ पाई थी तो अभी ये जो आंकड़ा है कि चालीस करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं ये सारे एक्टिव बैंक अकाउंट होंगे जी तो इसका मतलब बहुत जिसके पास भी ये जनधन खाता है और जो भी इस बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है सुविधा से जुड़ा हुआ है उसको जरूर अपने अकाउंट में लेन देन ट्रांजेक्शन जरूर करना चाहिए ताकि आपको वो जो सारी सुविधाएं हैं उसका लाभ दिया जा सके एक इसी के साथ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जब अब हमारा भारत जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ चल रहा है तो उसमें भी इन खातों की बहुत बड़ा योगदान है और जैसा बैंक मित्रों के माध्यम से बताया था मैंने अगर कोई बैंक मित्र के पास जाता है और अपना आधार आधारित यानी आपने उनके पास गए और आपको अगर कोई भुगतान लेना है तो आपने अंगूठा लगाया और आधार नंबर के माध्यम से आपके आपको पेमेंट मिल जाता है यानी आपको कोई कार्ड की भी जरूरत नहीं है और आधार पर जो है पेमेंट होता है तो वो जनधन खातों से ही हमारा ये अभियान शुरू हुआ था अब तो सभी अकाउंट्स में जहाँ पर भी आपकी आधार सीडिंग हो रखी है तो आप आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जुड़ सकते हैं तो हमारा ये डिजिटलकरण जो हो रहा है उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है जी और अब तो सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं तो ये अगर डिजिटाइज होता है तो और ज़्यादा सुविधा भी मिलेगी लोग भी ज़्यादा अवेयर होंगे और जो फाइनेंशियली वित्तीय तौर पे साक्षर होना जिसे कहेंगे हम और इसमें भी यह है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसमें कोई चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं नहीं इसमें हाँ ये भी मैं आ, आ, बताना चाहूँगा यहाँ कि इस अकाउंट में एक सुविधा ये भी है कि इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते आप जी यानी आप अगर डेबिट कार्ड भी ले रहे हैं तो आपके जो जनरल अकाउंट में हर बैंक जो है उसमें एनुअल चार्जेस लेता है लेकिन यहाँ पर कोई चार्जेज नहीं लिए जाते तो जो और भी इसमें सुविधाएं हैं जैसे आप पैसा भी इधर से उधर भेजते हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी करते हैं तो उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता जो जनधन खातों के साथ जी ही है। जी और इसके अलावा ऐसा भी है कि ये जो जनधन खाते हैं और ये जो इनका जिसका डेबिट कार्ड है ये देश के अंदर ही मान्य है इसके बाहर इससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता इस तरह रुपए कार्ड जब ये शुरू में आया था तो ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए ही था लेकिन अब इसको धीरे धीरे जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी इसमें अलाउ कर रहे हैं लेकिन अभी क्योंकि जनधन का स्कोप जो है सिर्फ यहीं है तो और छोटी ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं इसमें जो है अभी ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए ही है लेकिन जो रुपए जो एक हमारा एन का जो है ये माध्यम है पेमेंट का माध्यम जैसा आपने कहीं देखा होगा किसी कार्ड पर आपका वीजा लिखा होता है जी। और मास्टर कार्ड मास्टर होते, होते हैं वीजा, है, हाँ। वीजा कार्ड तो वो एक जो है पेमेंट का माध्यम है वो पेमेंट कंपनीज हैं तो वो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उन कार्ड्स के माध्यम से तो उस पर जो है एक शुल्क लेते हैं इसलिए वैसे वाले कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है शुल्क लगता है लेकिन रुपये जो है हमारा हमारा इनबिल्ट यानी हमारा अपने ही देश का बनाया हुआ एनपीसीआई के माध्यम से ये, ये एक तो बड़ी सुविधाएं हैं जो जनधन योजना के माध्यम से जो आ, समाज का वंचित तबका है उस तक पहुंचाया पहुंचाने की कोशिश की गई है तो आप हमारे स्टूडियो में आए और ये जानकारियां हमसे साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और <laughs> जरूर जिन लोगों ने अभी तक जनधन अकाउंट नहीं खोले हैं जो लोग दस साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति का बच्चे का भी मतलब आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस तरह आपको सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं और लॉकडाउन जैसे जैसे मुश्किल समय में जो मदद पहुंची थी इन खातों के जरिए वो सब मिल सकेंगी तो जरूर बैंकिंग सुविधाओं से जुड़िए कार्यक्रम में इतना ही नमस्कार